सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। शासन सरकार ट्रांसफर पॉलिसी हुई जारी, होंगे अंतर जिला स्थानांतरण, कार्मिकों करना होगा ऑनलाइन आवेदन, 5 वर्ष का अनुभव है आवश्यक, किस किस को मिलेगी इसमें प्राथमिकता जानते हैं। जी हां साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार की बहुत चर्चित ट्रांसफर पॉलिसी जारी की जा चुकी है। ट्रांसफर पॉलिसी ये जारी हो चुकी है, इसमें क्या क्या बताया गया है, ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी है। इस ट्रांसफर पॉलिसी में न्यूनतम कार्मिक का पदस्थापन स्थान से 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। साथ ही इसके लिए अगर इंटर जिला स्थानांतरण कार्मिक चाहता है तो उसको ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। हम जानते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है ट्रांसफर पॉलिसी में, साथ ही किस किस को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथियों, यह है राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी जो 21/7/2023 को जारी की जा रही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 290 उपनियम 2 अधिनियम की धारा 90 की उपधारा 2 खंड 1 और 4 में विनिर्दिष्ट पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को विशिष्ट या विशेष परिस्थितियों में उनके अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा जिले से बाहर स्थानांतरण किया जा सकेगा। उसके संबंध में अधिसूचना 6 जून 2023 के क्रम में स्थानांतरण नीति निम्नानुसार जारी की जाती है। तो ये स्थानांतरण नीति जो जारी की गई है वो विशेष पदों के लिए है। इस स्थानांतरण की नीति की सर्वप्रथम विशेषता ये जानते हैं कि इसमें जिले के बाहर भी स्थानांतरण किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पंचायती राज नियम 1994 की धारा 90 के तहत राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा गठित है तथा जिलेवार किए जाने वाला प्रावधान भी है, यानी भर्ती जिलेवार की जाती है। जिला कैडर से अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग पंचायती राज की अधिसूचना 8 जून 2016 से नियम 290 का संशोधन कर नियम 2 के पश्चात परंतु जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है, यानी परंतु की धारा 90 के उपधारा 2 खंड 1 और 4 में विनिर्दिष्ट पदों पर कर्मचारियों को उस जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था। ये पहले धारा थी, अब इसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसके तहत 90 उप 2 खंड 1 और 4 में वर्णित पदों के कर्मचारियों को अप्रिय परिस्थितियों में स्थानांतरण की आवश्यकता होने से राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण का शिथिलन प्रदान किए जाने की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति जारी की जा रही है। ये जो अंतर जिला स्थानांतरण है उसमें प्रतिबंधित पदों की कर्मचारियों की श्रेणियां निर्धारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन पर विचार किए जाते समय निर्धारित वरीयता क्रम में प्रकरण पर विचार किया जाएगा, जैसे मेडिकल बोर्ड और सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी से संबंधित गंभीर अथवा अन्य प्राणघातक रोग से ग्रसित कोई कार्मिक है, उनके पति पत्नी अविवाहित होने की स्थिति में माता पिता अथवा उनके समीप की जाइंदा संतति, तो उनके संबंध में विचार किया जाएगा। साथ ही दोस्तों दिव्यांगजन जो अपना कार्य समय करने में अक्षम है, 70% से अधिक प्रमाणिकता निषक्ता है, विधवा परित्यक्ता है, महिलाएं हैं जिनके पति अन्य जिले में राजकीय पद पर है तो इनको भी है, अन्य ऐसे प्रकरण जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतर वांछित माना जाए तो उनको मिलेगी। अब इसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है। ये शर्तें क्या है तो देखिए कि उक्त वरीयता में अंतर जिला स्थानांतरण से पूर्व यह अनिवार्य होगा कि जिस जिले में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा वहां श्रेणीवार कार्मिक के संवर्ग और श्रेणीवार स्पष्ट रिक्त पद उपलब्ध है, यानी रिक्त पद उपलब्ध होंगे तो ही स्थानांतरण किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत किसी भी कार्मिक द्वारा वरिष्ठता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांग नहीं किए जाने का वचनबद्ध प्रमाण पत्र देना होगा। अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत पदस्थापन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सक्षम स्तर द्वारा जारी किया जाएगा। और इसी प्रकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 90 के उपधारा 2 खंड 4 में अंतर्गत वर्णित श्रेणी हेतु कर्मचारी की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता संबंधित प्रावधान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 291 के अनुरूप रहेंगे और वर्णित श्रेणी की वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर निर्मित होने से वरिष्ठता राज्य स्तरीय सूची अनुरूप रहेगी। इस नीति के अंतर्गत ये जो नीति जारी की जा रही है
स्थानांतरण नीति। इस नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारी के स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारी को यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल अथवा स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई परिलाभ देय नहीं होगा। अगर इस नीति के अनुरूप कर्मचारी स्वैच्छिक आधार पर अपना स्थानांतरण करवाता है तो ये यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल अथवा स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई परिलाभ इनको देय नहीं होगा। जिले में निर्धारित श्रेणी की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। और इसी प्रकार कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी आवेदन के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि आवश्यक है और पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा होना कंप्लीट होना चाहिए। कार्मिक को SSOID के माध्यम से ही स्थानांतरण आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। यानी आप कार्मिक को जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो अपनी SSOID के माध्यम से ही करना है। और ये स्थानांतरण कब होंगे तो इसके बारे में बताया गया है कि स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने पर जारी होंगे। ये स्थानांतरण नीति दोस्तों ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव बताया गया है। अनुभव 5 वर्ष का कोई कार्मिक रखता है तो उसको स्थानांतरण के लिए आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा। साथ ही दोस्तों उसमें आवेदन जो करना है SSOID के माध्यम से कार्मिक को करना होगा। कार्मिक जो SSOID के माध्यम से आवेदन करेगा उनका आवेदन स्वीकार होगा। साथ ही किस किस को प्राथमिकता मिलेगी ये भी बता दिया गया है। और यहाँ एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी है राजस्थान सरकार की। अब शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहती है अगर इसी के ऊपर लागू करती है तो शिक्षकों के लिए भी यही ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी। साथ ही जो ऑनलाइन आवेदन है आप सभी जानते हैं शिक्षा विभाग की एक वेबसाइट है जिसका नाम है शाला दर्पण। शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। एक बार पहले भी आवेदन लिए जा चुके हैं तो अगर आवेदन लेने होंगे ट्रांसफ़र करना होगा सरकार को तो शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से आवेदन लिए जा सकेंगे। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ओर से जारी की गई है। तो जब तक शिक्षा विभाग की पॉलिसी नहीं आ जाती हमें इंतज़ार करना होगा सभी शिक्षकों को ट्रांसफ़र पॉलिसी का। शिक्षा विभाग अपनी पॉलिसी क्या तय करता है, किस किस को प्राथमिकता देगी दी जाएगी इस पॉलिसी में। साथ ही शिक्षा विभाग में जो ऑनलाइन आवेदन है वो तो आपको बता ही दिए हैं। इस ट्रांसफ़र से संबंधित और भी कोई न्यूज़ आएगी तो रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।